एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट में। और आज हम सीखने वाले हैं ट्रिक के माध्यम से भारत के केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। भारत के केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं और उनके नाम जानेंगे। इसके साथ साथ और हम सीखेंगे कि किसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है और किसका क्षेत्रफल सबसे कम है। ट्रिक के माध्यम से हम सभी के बारे में एक एक करके बताने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है भारत के केंद्र शासित प्रदेश के नाम। आज हम जानेंगे कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश के नाम कितने हैं और कौन कौन से हैं। ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का ट्रिक क्या है। इस प्रश्न का ट्रिक क्या है? ट्रिक है चलो दिल दे दो आप जम्मू कश्मीर में। चलो दिल दे दो आप जम्मू कश्मीर में, इस ट्रिक के माध्यम से आज हम सभी के बारे में डिटेल्स में सीखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज देखते हैं। च से चंडीगढ़ जिसका क्षेत्रफल है 114 वर्ग किलोमीटर। लो से लक्षद्वीप जिसका क्षेत्रफल है 32 वर्ग किलोमीटर। दी से दिल्ली जिसका क्षेत्रफल है 1490 किलोमीटर। ल से लद्दाख जिसका क्षेत्रफल है 59146 किलोमीटर। देदो से है दादर तथा नगर हवेली, दमन तथा द्वीप दोनों है। यहाँ हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है दोनों एक ही में हो गया है। पहले अलग हुआ करता था लेकिन अब एक ही में हो गया है। तो दादर तथा नगर हवेली का क्षेत्रफल है 491 किलोमीटर स्क्वायर। दमन व द्वीप का 112 वर्ग किलोमीटर। अगला है आ से अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह जिसका क्षेत्रफल है 8259 वर्ग किलोमीटर। और सातवां आपका है प से पांडिचेरी जिसका क्षेत्रफल है 492 वर्ग किलोमीटर। और इसके अलावा है अंतिम आठवां है क्वेश्चन जम्मू कश्मीर जिसका क्षेत्रफल है 222236 वर्ग किलोमीटर। तो जम्मू कश्मीर सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश है जिसका क्षेत्रफल है 222236 वर्ग किलोमीटर। और लक्षद्वीप सबसे कम क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश है जिसका क्षेत्रफल है 32 वर्ग किलोमीटर। यदि आप भी सीखना चाहते हैं ट्रिक के माध्यम से जीके जीएस तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।